भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लोरमे विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी अरुण साव यहां मानस मंच में आयोजित पीएम के मन की बात सहित नव मतदाता प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे और मानपुर में भाजपा नेता की मौत सहित विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाता संदीप सिंह ठाकुर से खास बातचीत की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लोरमे विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी अरुण साव इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, कितने आश्वस्त हैं इसको लेकर। देखिए, ये अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। 15 साल में हमने इस छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम किया, पर 5 साल में भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार ने जो दुर्दशा की है छत्तीसगढ़ का, आम जन आक्रोशित है, परेशान है, नाराज है। और जिस तरह से 5 साल में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया, नशे का गढ़ बन गया, धर्मांतरण का गढ़ बन गया, माफियाओं का राज आ गया, विकास के सारे काम अवरुद्ध हो गए, आज छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा चल रही है। और निश्चित रूप से जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। अपने दौरे में पीएम के मन की बात कार्यक्रम खत्म होते ही अरुण साव मंच पर सफाई करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।